आप देख रहे हैं KDS न्यूज, बेहतरीन खबर के हमारे चुनाव के साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा एक बार फिर सुनाई देने लगा है। इस बार मामला सीतापुर से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों में भाजपा विधायक सुरेश राही के प्रति आक्रोश है। पूरी खबर से हम आपको रूबरू कराएं, उससे पहले हम चाहते हैं अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनता हमारी खबरों को शेयर करें। पूरे जो पूरी खबर पर हमारे संवाददाता पंकज कश्यप की खास रिपोर्ट। दरअसल रोड नहीं वोट नहीं यह एक ऐसा नारा है जो अधिकतर चुनावों से पहले सुनाई देता है। हालांकि कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो इन दिनों में दिखाई देना स्वाभाविक है। इस बार जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के विकासखंड बहेटा क्षेत्र के ग्रामवासियों के लिए रमुआपुर इटौरा से होकर चांदी गोहनिया जनकपुर बरेती आदि गांवों को जाने के लिए बनी जो सड़कें हैं वो मुसीबत बनी हुई हैं। सड़कें अच्छी नहीं हैं, गड्ढे हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग में छोटी नदी पड़ती है जिससे समस्त क्षेत्रवासियों को आने जाने में समस्याएं हैं। पुलिया की व्यवस्था नहीं है। ग्रामवासियों का यह भी कहना है कि भाजपा विधायक जो विधायक थे सुरेश राही, उनके आगमन पर उन्होंने पुल के बारे में कहा था, ग्रामीणों ने गुहार लगाई थी। विधायक ने आश्वासन दे दिया था कि जल्द इसका काम शुरू होगा। समस्या क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई भी वोटर किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगा। ऐसे में विपक्षी दलों द्वारा इसे भुनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। आइए सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में या क्षेत्र के ग्रामीणों का क्या कहना है। पूरी होनी चाहिए। हाथ जोड़ के सरकार से गुजारिश है कि हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। अगर नहीं पूरा किया जाएगा तो हम विधानसभा की वोट नहीं, ग्राम पंचायत हमारी नहीं डालने जाएगी। यही हमारी अनुरोध है, हमारी गुजारिश है सरकार से। यही हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान होना चाहिए। सरकार से क्या मांग रहे हो आप लोग? हम यही अपना रास्ता मांग रहे हैं, रपटा पुल मांग रहे हैं। अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया हमारे रपटा पुल का। हम लोग बहुत परेशान हैं। कितने दिन से मांग रहे हो? ये कम से कम हम 4 साल से मांग कर रहे हैं। ये कहाँ का रपटा पुल है? ये रमुआपुर इटौरा का है रपटा पुल। ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये चांदी जाएगा, चांदी बेलवा का होनी है। कई गाँव संपर्क टूटे हैं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। धुराम, कहाँ रहते हो? इटौरा। जिला क्या लगता है? सीतापुर। क्या समस्या है? समस्या रास्ता के है। किसान रास्ता की रपटा पुल मांग रहे हो? हाँ, सरकार से। सरकार से तो इसका मतलब लिखित में दिए है कहीं? नहीं दिए हो? हाँ दिए, कई हो। राम जीवन जी का दिया गया, जयसवाल जी का। अच्छा, सुरेश कुमार वाजपेयी। कहाँ रहते हो? रमुआपुर। क्या समस्या है? समस्या है पुल का, मतलब व्यवधान है रास्ते के लिए। ये कितने दिन से मांग कर रहे हो आप लोग? है तो 10-20 साल से, लेकिन 4-5 साल से लोग ज्यादा परेशान है जब से बाढ़ आ रही ज्यादा। अब क्या चाहते हो? अब अगर मान लो रपटा ना बना तो हम लोग वोट नहीं डालेंगे विधानसभा के अंदर। कितने गांव के लिए रास्ता? ये हमारा जनकपुर है, रमुआपुर है, इसी चांदी बेलवा गोहनिया, सब संपर्क मार्ग टूटे हैं सबके। करीब 10-12 गांव हैं। 10-12 गांव उस पार पड़ते हैं नाले के उस पार। तो 10-12 गांव वाले वोट नहीं डालेंगे? हाँ, क्या नहीं डालेंगे? कोई नहीं डालेंगे। ये जो विधायक चुनाव आ रहा है इसमें वोट नहीं पड़ेगा? नहीं डालेगा, बहिष्कार करेंगे। अगर मांग पूरी हो जाएगी हाँ तब तो वोट करेंगे, तो बीजेपी का समर्थन करेंगे खुल्ला। हमारा नाम राजेंद्र शुक्ला है। कहाँ रहते हो? हम ग्राम सभा रमुआपुर इटौरा में रहते हैं। जिला क्या है? जिला सीतापुर है। तहसील? तहसील हमारी लहरपुर। थाना? थाना तंबौर। क्या समस्या हो गई आप लोग इतने इकट्ठा हुए हो? समस्या यही है कि इस रपटा पुल की मांग की जा रही है 4-5 साल से, जब से बाढ़ आ रही है। और इस बाढ़ के चक्कर में हम लोगों के खेती किसानी और गाँव का रास्ता सारा बंद है। तंबौर का रोड की चांदी गौहनिया बिलवा हरखी भेड़ और रमुआपुर इटौरा, इसका सब गांवों का संपर्क टूट गया है इस नाले की वजह से।
अगर इसका समर्थन कर रहे थे हमारे रामजीवन जायसवाल जी और विधायक सुरेश राही जी आकर आश्वासन देकर गए हैं यहाँ पर कई बार, लेकिन सुनवा कोई नहीं है, ना इस रास्ते के बारे में और ना यहाँ इस गांव के बारे में। ए रामजीवन जायसवाल और सुरेश राही आपसे क्या बोलकर गए थे? हमसे बोलकर यही गए हैं, ये हमारा कार्य पूरा होने वाला है, ये पास हो चुका है और पास हो गया तो इसमें कार्य कुछ चालू क्यों नहीं किया गया? तो आगे विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है उसमें क्या कहना चाहते हो? आगे विधानसभा के चुनाव में कम से कम हमारे पास 8-10 गांव हैं, और 10 गांव का समर्थन यही सबका है कि इस विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालोगे? वोट नहीं डालेंगे। अगर आपकी मांग पूरी की जाएगी सरकार के द्वारा? अगर हमारी मांग ये पूरी की गई रास्ते की रपटा पुल की, तो हमारा खुला समर्थन बीजेपी की तरफ रहेगा। अच्छा। हमारे पूरे गाँव का, क्योंकि हम लोग कट्टर बीजेपी के हैं और बीजेपी को समर्थन जाएगा। अगर नहीं अगर हो रहा हमारा काम तो हम इस 10 गांव को मिलकर एक साथ होकर वोट नहीं डालेंगे इस विधायकी के चुनाव में। इसी सरकार से गुजारिश है, हाथ जोड़कर अगर चाहे। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कहते हैं, हम आइए सुनवाते हैं आपको। अभी बीजेपी का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उसके बावजूद ग्रामीणों में आक्रोश है कि उनके आने जाने के रास्ता खाली नहीं हुआ है, वो आने जाने में तकलीफ है उनको, और जिस पर उनके विधायकों द्वारा आश्वासन ही दिया गया है कि उनकी रास्ताएं बनवा दी जाएंगी, इस पर आपका कहना? इस पर हमारा कहना भाजपा की बातें सब हवाई है। बहुत से संपर्क मार्ग है जो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, टूट चुके हैं, अभी तक उस पर कोई भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, ना ही क्षेत्रीय विधायक ना ही क्षेत्रीय सांसद ने ध्यान दिया है। मैं जब क्षेत्र का दौरा करने जाता हूँ तो बहुत जीर्ण शीर्ण हाल है, निकलना मुश्किल सड़कों पर है। अगर कोई गर्भवती स्त्री अगर सड़कों पर निकले तो ये हाल होगा कि बच्चा वही पैदा हो जाएगा। अभी योगी जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, योगी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन काम हो हरा धरातल पर है, बातें उनकी हवाई है, केवल कागजों पर ही काम है, बाकी कहीं काम सड़क को दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके सीटें कितनी आएंगी? 300 प्लस हमारी सीटें समाजवादी पार्टी की रहेंगी। ये ग्रामीणों की समस्याएं हैं, आपके आने सरकार आने के बाद इनकी दूर हो जाएंगी? बिल्कुल समस्याएं दूर होगी, समाजवादी सरकार के जो काम है चारों तरफ दिख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, ऐसा कोई काम नहीं है, बड़े बड़े काम समाजवादी सरकार ने किए हैं, और जैसे लखनऊ मेट्रो ले लीजिए, कानपुर मेट्रो का किया लेकिन श्रेय मौजूदा सरकार ले रही है, जो काम अखिलेश जी ने किए थे अखिलेश सरकार ने किए थे वो कोई भी काम नहीं कर सकता। की बात है बाढ़ग्रस्त इलाके में बहुत से सड़कें डैमेज हो चुकी है, पुल पुलिया बनने वाले हैं, रपटा नीचे हो गए हैं, ग्रामीणों को आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। हमारी सरकार बनती है, हमको अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है, चुनाव जीतता हूँ, प्राथमिकता पर 6 माह के अंदर इन रपटों सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करूंगा।